तो बना रहे हैं राइट। हम लोग जा रहे हैं सरोज नगर, ठीक है। आशीष भाई बहुत ही मेहनत से इन्होंने पैसे कमाए हैं जो, ठीक है, दिहाड़ी मजदूरी करके, तो उससे ये टी शर्ट लेने जा रहे हैं अपनी टी शर्ट। हाँ, जो भी आएगा पसंद में, हाँ जो भी पसंद में आएगा वो ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत अभी सैलरी वैलरी तो आती नहीं हम लोगों की, तो हम सस्ता ही, तो आधे महीने में आती है सैलरी बिल्कुल जाके, तो अभी हम सस्ता वगैरह ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जा रहे हैं सरोज नगर, वहाँ पे अगर आशीष भाई को नहीं मिलता सस्ते में तो चांदनी चौक, तो चांदनी चौक मतलब ले देखते हैं, हम उतने में ही खरीदेंगे जितना बजट समझे, ठीक है। भाई लाइक करो, बोलो, करो, सब्सक्राइब करो, डबल डबल है भाई, डबल ऋतिक रोशन, दिस इज ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन। भाई जब हम वैशाली में चढ़ चुके हैं और हमारे साथ आशीष भाई जस्ट हाँ मैं भी हूँ, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, साथ में ही हूँ। और वैशाली भाग रही थी गाइस, तो मैंने चिल्लाया वैशाली रुको। एक गाइस जो तो अभी हम जा रहे हैं, अभी हम मेट्रो में हैं थोड़ी देर तक के लिए, उसके बाद हम पहुँचेंगे अपने नाम पे मंजिल पे। अभी भी फिक्स नहीं कर रखा है ना, सरोजनी नगर जा रहे हैं और चांदनी चौक जा रहे हैं। अरे पहले सरोजनी जाएंगे, पहले सरोजनी जाएंगे फिर उसके बाद चांदनी चौक जाएंगे, क्योंकि वहाँ कुछ मुझे लग नहीं रहा कुछ मिलेगा। ये सरोजनी के कपड़े पहन के जाती है मैडम जिसको, मैडम ना अरे तुमको पहना नहीं कुछ में चमक चलो। तो गाई जब भी अपन आ चुके हैं सरोजनी मेट्रो स्टेशन पे, अब हम ऊपर जा रहे हैं गाइज, नीचे देख के चलिए गाइज, अभी निकलते हैं यहाँ से, फिर जाएंगे मार्केट में, ये लेके आए सिर्फ 500 की पत्ती क्योंकि सैलरी नहीं आई भाई, क्योंकि सैलरी नहीं आई है, और 100 रुपये तो किराए में लगा दिए, बचे 400 बच्चे हैं, 200 रुपए जाने के लिए बचा। गाइस हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सस्ते से सस्ता लेंगे, सस्ते कितना भी सस्ता हो उतना सस्ता लेंगे, चाहे वो 2 रुपए का क्यों ना हो। गाइस यहाँ पे हम बिल्कुल मेट्रो से निकलेंगे, बिल्कुल देखो आप आ रहे हो यहाँ पे बिल्कुल गेट से निकले और जाएंगे, शुरुआत होगी गाइस, पूरी भीड़ दिख रही होगी गाइस आपको, ये सरोजनी नगर का मार्केट है गाइस। सुनाई दे रहा 100 रुपए, आशीष भाई भी 100 रुपए में मिल रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे तो अपने चेक कर लिया है, सब कुछ 100 का मिल रहा है इधर मेट्रो से, आप पसंद नहीं आया आशीष भाई को, क्योंकि यहाँ पे कुछ येलो नहीं मिल रहा था इनके अलग, ठीक है, सारा जो था वो ब्लैक और ये ग्रे वगैरह ये था, बोतल पानी पीनी है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा हम आ गए हैं, तो 20-20 का कुछ मामला शुरू हुआ है, और भाई साहब बेल्टे भी मिल रही हैं यहाँ पे, ठीक है, और एयरपोर्ट ऐसे लेके आ रहे हैं एप्पल के प्रो ऐसे छुपा के, देखो ये लोग ये लोग ये गाइस, तो इससे आप समझ सकते हो यहाँ पे सब कुछ काला बाजार ही चल रही है, ठीक है गाइस। तो अभी देखते हैं थोड़ा आशीष भाई के लिए हम लेके ही जाएंगे यहाँ से कुछ ना कुछ, ना कुछ तो लेके ही जाएंगे। अब यहाँ का इतना रेट देख के डाउन, तो मेरे को भी लग रहा है कुछ ले चलूँ मैं, लग रहा है पर भाई। मैं इसीलिए तेरे को लेके आया हूँ पर कुछ पता नहीं, कह सकते हैं भाई कुछ भी हो सकता है, क्या पता मैं खाली हाथ ही जाऊँ यहाँ से। लेटेस्ट जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो 100-150 रुपये 150-150 ऐसे करके सेल लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी बड़ा मार्केट है, तो आप ले सकते हो यहाँ पे आके बजट में कुछ भी जो आप भी लेना चाहो। भाई कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे आके? सही लग रहा है, बहुत अच्छा, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा लेकिन अभी सैलरी नहीं आई फिर भी हम लेके जाने की सोच रहे हैं। तो गाइस यहाँ से मैंने अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा ये ले लिया है डोरेमोन, आशीष भाई ने भी ले लिया बैग में रखा वो, ठीक है, तो अभी थोड़ा आगे जाते हैं। सेम लिया लेकिन सेम लिया दोनों ने, ठीक है, पहले मैं सोचा था वीडियो कॉल करके पूछ लूँ पर फिर मैंने सोचा यही ले लेता हूँ क्योंकि और कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि और कुछ मिल नहीं रहा था बढ़िया सा, ठीक है गाइस। जो है ना वो जो दिखाई दे रहा है जो बड़ा बड़ा जो ये ऊपर टंगे हुए ना, ये मेरे को थोड़े सही लग रहे थे पर ये बोल रहे 250 का ये, तो अभी चलते हैं आगे देखते हैं, बाकी ये तो ले ही लिया हमने, ठीक है, जाएगा तू भाई? खाली नहीं जाऊंगा मैं गाइस, ये कुछ कुछ लेके जा रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाओगे तो थोड़ा आपको बजट में ये है कि सारा मिल जाएगा आपको, यहाँ पे देख पा रहे हो आप सेल वगैरह सब जगह लगी हुई दिखेगी आपको सारी दुकानों में, आगे तक भी सब सेल ही लगी हुई है गाइस। तो गाइस अभी तक हम घूम रहे हैं यहाँ पर और देख रहे हैं काफ़ी 100-100 रुपए में जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो काफ़ी बजट फ्रेंडली मामला है इसका, और अभी तक हम घूम ही रहे हैं, आशीष भाई को मिली नहीं है येल्लो में जो ढूंढ रहे हैं अपनी शर्ट, ये क्या कहते हैं टी शर्ट, कुछ मिल गया आशीष भाई, कुछ तो मिला है, क्या मिला आशीष भाई? लेडीज़ वाला है। ओ लेडीज़ वाला है, ले लो आशीष भाई तुम्हें तो लेडीज़ वाला, अभी तो तुमने बुलाया मेरे को। देखो भाई मार्केट ख़त्म होने का नाम ले रही है, बहुत देर से चल रहे हैं, बहुत देर से हम 150 सब यही लगा हुआ भाई यहाँ पर,
देखो भाई जी, सारा यही है मामला इधर का। कम से कम दो बजने वाले हैं और आशीष भाई को अभी तक शर्ट नहीं मिली है ये लोग। हम लोग ने पूरा मतलब मिल रही है तो उसमें ब्लैक लाइनिंग वगैरह ऐसा कुछ आ रहा है, तो मुझे लाइनिंग ब्लैक नहीं चाहिए। ब्लैक नहीं चाहिए और वाइट भी नहीं चाहिए। अभी घूम ही रहेगा, आज लगता है पूरा दिन यहीं घूमते रहेंगे हम आशीष भाई के साथ, क्योंकि इनको इनकी शर्ट नहीं मिल रही है। बाकी हमने बहुत कुछ ले ही लिया है, ये पे बहुत अच्छा बैग नहीं है मत दिखा। कोई नहीं भाई, देख लो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो भीड़ इस टाइम पे बहुत हो चुकी है यहाँ पे, थोड़ा सा निकलना मुश्किल हो जाएगा गाइस, थोड़ी देर और रुके यहाँ पे। तो तुम अभी चलो वही ले लो उधर से प्लेन वाली, जब तू यहाँ कर लिया भाई तुमको शूट कर दूंगा मैं तुमको, ये ले रहा भाई। तो आखिरकार आशीष भाई मेरी बात मान चुके हैं और ये यही ले रहे हैं येल्लो जो मैंने इनको बोला था। ठीक है, कम ऑन आशीष भाई, कम ऑन परचेज। अरे भाई कट कर दे। कल ले कट। यहाँ पे हम बार बार लेने का प्रयास करें पर आशीष भाई को पता नहीं क्या चुल मच रही है लड़की। अरे भाई मैं लड़कियों के कपड़ों में जा घुस जा रहे हैं इनको लड़कों में येल्लो नहीं मिल रहा तो लड़कियों में जा रहे हैं। आ जा सारे बच्चों को लेकर, सोचो काट दूंगा ना उसको जो भी उसकी झालर फालर होगी। घूमते घूमते बहुत टाइम हो गया गाइस, अब हम वहीं जा रहे हैं जहाँ पे पहले हमने गुड्डे वगैरह लिए थे, वहीं पे थी एक दुकान जहाँ से हम ले सकते हैं आशीष भाई के लिए येल्लो शर्ट। ओके गाइस, देख लो कितनी भीड़ है यहाँ पर, लंका लगी पड़ी पूरी गाइस यहाँ। तो आशीष भाई यहाँ पे लगे हुए हमारे, ये देखो आशीष भाई बहुत ही मेहनत से आशीष भाई हमारे छांट रहे हैं यहाँ पे कपड़े, कितनी मेहनत लग रही है आशीष भाई को। 300 वाला 150 में ले आओ, ये लो खत्म करो आशीष भाई, 300 वाला 150 में लेने आए। तीन सौ वाला 150 में लेके जाएंगे। हाँ तो ले लो ले लो ले लो, बढ़िया लग रहा है तुम पे, पहन के देखो। हाँ पहन लो पहन लो, पहन लो तुम, ऐसे 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 तुम कर सकते हो ये, मुझे बताएं। और यहाँ पे आशीष भाई ने पहन लिया बिल्कुल। आखिरकार हमारे आशीष भाई ने शर्ट ले लिया यहाँ पे येल्लो पल्लो, के लिए आशीष भाई ने हमें पूरा सरोजनी नगर घुमवा दिया। तो आशीष भाई कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत बढ़िया, ये शर्ट लिए मैंने, देखो सही है ना, यही शर्ट मैं थोड़ी देर पहले अभी इसको दिखा रहा था बंदे को, पर ये मना करके चला गया। ये दिखाई थी तूने? ओ उसमें ब्लैक लाइन थी, वाइट वाली थी भाई, भाई ब्लैक लाइन थी ये, देख वो वाली दिखाई थी, दिखाता हूं जो ये येलो रखी है ना यहाँ पे, ये वाली वो सिंपल लाइन है, वो भी बढ़िया थी भाई, ये चेक में है ये देखना। अरे तू आ जा भाई, चल ठीक है, कोई नहीं भाई, गाइस हमारी बात नहीं मानते कुछ लोग, हम क्या बताएं। चल तो आशीष भाई का काम हो चुका है पूर्ण रूप से यहाँ पे, अरे बच्चों के लिए भी ले लिया, बच्चों के लिए बाद में सैलरी आएगी तब लेंगे भाई। क्विन डोरेमोन तो ले लिया है बेटे बर्थडे के लिए। हाँ वो तो ले लिया है लेकिन देख लेते हैं यार। नहीं नहीं बस बहुत हो गया, चलो जय श्री राम। यहाँ पे आशीष भाई ले रहे हैं जूते अपने बच्चे के लिए, ये लिया मैंने चमकने वाले, चमका के दिखाओ नाइट परफॉर्मेंस। अभी वेट कर रहे हैं एक नंबर एक्स्ट्रा का, ये आ गया थोड़ा सा ही फर्क है तो मतलब इस बारे में नहीं है। तो गाइस जितना घूमने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो हम फिर से आके यहीं खड़े हो गए गाइस, और आशीष पाल को बच्चों के कपड़े ढूंढ रहे थे बेचारे, मिले नहीं इनको, बहुत दुख महसूस हो रहा है मुझे इनके लिए। देख पा रहे हो गाइस आप कितनी भीड़ है यहाँ पर, देख पा रहे हो मैं हंस रहा हूँ। यस ये हंस रहे हैं, किस प्रकार हंस रहे हैं ये, क्योंकि इनको कपड़े नहीं मिले बच्चों के। क्या
आशीष भाई ने बोल दिया है हमको, अरे प्रकाश तो इधर से आ रहा है, प्रकाश मिस्टर प्रकाश, ओ भाई बहुत तेज प्रकाश आ रहा है गाइस। तो गाइस आशीष भाई ने बोल दिया है इनको कुछ सामान मिल नहीं पा रहा था, पर अब वो मिलेगा भी नहीं इनको, वो आंटी जी लेके आएंगी। तो अब हम जा रहे हैं वापस यहाँ से, काफ़ी मार्केट हमने घूम लिया है, पैरों की पूरी बैंड बजाई हमने यहाँ घूम घूम। अब घर जाके बस बिस्तर पे क्या कहते हैं पसर जाने हैं, पसर जाएंगे गाइस, क्योंकि बहुत समय हो चुका है यहाँ पे घूमते घूमते गाइस। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, सील 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 सील। वो जूते अच्छे थे यार बच्चे के लिए, वो तो है, वो तो है, बच्चों की लाइटनिंग वाली जूती बहुत ही बढ़िया थी। देखो भाई जैसे ये ऊपर सब यहाँ पे टांट पे छुपा के रखते हैं सामान अपना, सारे ये जो दिख रहे हैं ना, ये नीली नीली जहाँ भी दिख रहा है वहाँ पे सामान छुपा रखा है इन लोगों ने, बाद में निकालते हैं एकदम फेंकते नीचे, समझ रहे हो। चलें गाइस, चलें गेट से बाहर, चलें दफा हो जाए, गेट उधर मिलेगा आगे से, आओ। चलो ठीक है भाई, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, 100-100 रुपए की सेल लगी यहाँ पे, तो देख ठीक है फिर अपन करते कंटिन्यू। तो गाइस अब हम निकल आए हैं सरोजनी नगर मार्केट से बाहर, और मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे किस प्रकार से वो क्या कहते हैं परफ्यूम बेच रहे थे लोग। आशीष भाई पकड़ो जरा, मैं अभी आके परफ्यूम बेच रहा हूँ। परफ्यूम लेंगे सर, परफ्यूम लेंगे सर, तो नीचे से क्यों दे रहे हैं सर, ऐसी ऐसी बेचते हैं यहाँ पे सर। ले लो सर, कितने का? नहीं नहीं, कितने का लगा दूँ? 50 रुपए। नहीं सर, आप एक काम करो 10 में ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं, रखो ठीक है टेबल के नीचे से। तो गाइस इस प्रकार से यहाँ पे परफ्यूम बेचा जा रहा था गाइस, ठीक है मैंने पूरी आपको एक्टिंग करके दिखा दिया है, और अब हम यहाँ से निकल रहे गाइस। एक बंदा तो ऐसा था गाइस, वो सॉक्स निकाल के लेके आ रहा था 2 पैकेट, और बोल रहे थे ये लास्ट बचा हुआ है, फिर मैं इसको देके जा रहा हूँ, फिर उसको बेचने के बाद वो दोबारा एक अपने जगह उसने रख रखा था वहाँ से निकाल के फिर से लेके आता है, ये लास्ट है फिर मैं जा रहा हूँ। पर वो स्टाइल था भाई, पर वो ख़त्म नहीं होगा इच, वो लास्ट इसका। तो अभी अपन लोग निकल जाते हैं यहाँ से, बच गया भाई। चलो अभी मेट्रो पहुँच के करते फिर लास्ट क्लिप जो है। तो गाइस आशीष भाई के 500 रुपये अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, वो अभी भी पूछ रहे हैं कि कुछ लेना है या नहीं, ठीक है मेट्रो में घुसने के बाद भी बोलेंगे कि चलो वापस चलते हैं कुछ ले लेंगे। हद हो गई आशीष भाई, हद हो गई तुम्हारी, इतनी हद कैसे कर पा रहे हो तुम ऐसे। कीप योर फीट विद इन येलो लाइन भाई, हम लोग तो बहुत थक चुके हैं, बहुत थक गए भाई, पैर दुख गए एकदम। पूरी मार्केट में हमने 4-5 चक्कर लगाए हैं। हाँ 4-5 चक्कर लगाए, वो भी सिर्फ एक शर्ट के लिए येल्लो। नहीं वो तो वो चक्कर तो उसी के लिए लगे। हाँ। भाई बाकी तो ऐसे ही मिल गया था फ्री फंड में। चलो गाइस चलते हैं, अब थोड़ा सा निकल लेते पहले यहाँ से। अभी हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन पे, और हमारे सामने से ये मेट्रो जाती हुई, और आशीष भाई ऊपर देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ क्योंकि ये बोलते हैं मैं नीचे नहीं देखता हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ। 500 रुपये में मैं सरोजनी नगर खरीदने आ गया था, बैग भर लिया भाई मैंने 500 रुपये में। आशीष भाई ने पूरा बैग भर लिया यहाँ पे, तो आप भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कम पैसों में ज़्यादा सामान। यस बैग भर लीजिए आशीष भाई की तरफ, और वो भी बिना सेल दिया आए भाई, सिर्फ तभी तो 500 रुपये लाया था भाई। कोई समझता हूँ, मैं समझता हूँ भाई। वो आशीष भाई की वैशाली खड़ी हुई है सामने, जैसा कि आप देख पा रहे हो। आशीष भाई तुम्हारी वैशाली अभी जाएगी तो आवाज़ लगाना उसको, वो तो तुम ही जा रहे हो, कोई नहीं यहीं से बाई कर दो उसको, बाई कर दो वैशाली। तो गाई जब आशीष भाई जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब कुछ आशीष भाई ने मुझे गिफ्ट दिलवाया, बिल्कुल गेट से निकालूंगा तुमको मैं। और यहाँ पे आशीष भाई जाते हुए लास्ट टाइम, बाय बाय बाय।
बाय बाय बाय। तो गाइज बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन, तो काफ़ी वहाँ पे बजट का सामान मिलता है सरोजिनी नगर में, अगर आप जाएँ तो। मैंने आपको थोड़ा बहुत तो दिखाई दिया था, बाकी वीडियो में ज़्यादा कुछ खास मैं दिखा नहीं पाया आपको क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे थे थोड़ा बहुत जो है। बाकी जो भी आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।